से आ रहे हैं घूम के, YouTube पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। हाँ इधर साइड आगे कर दो इधर। Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back. हेलो गुड मॉर्निंग। तो कल रात लगभग 11 बजे मैं बुतवल पहुंच गया था और ये देखिए मेरे पीछे है वृंदावन होटल बुतवल में, और एक घंटा लग गया मुझे पूरा होटल ढूंढने में। 11 बजे सब सो जाते हैं और मेरा मोबाइल भी नहीं चल रहा था, नेट चल रहा था, नेट से भी नहीं काम चला। तो रास्ते में एक बाइकर मिला यहाँ का लोकल, तो वो मुझे छोड़ के गया इस होटल में, कह रहा मैं दिलाता हूँ। तो आज का प्लान ऐसा है कि अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा दिल्ली को, 15 घंटे की राइड दिखा रहा है, तो हमें लगभग 9 बजे तक पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो चलते हैं, बाकी चलते चलते बात करेंगे आपसे कल के सफ़र के बारे में। तो भोलेनाथ का नाम लेके अपना आज का सफ़र, आज की राइड शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ, बम बम भोले। तो हम हैं बुतवल में, समय जो हुआ है 6:45 को मैं जाग गया था और विद इन 1 आवर हम निकल पड़े हैं राइड के लिए, दिल्ली के लिए। और दिल्ली लगभग 9 या मैक्सिमम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो बाय बाय नेपाल। तो हमारा 5-6 दिन का जितना भी सफ़र था नेपाल में, बहुत ही शानदार रहा, राइड भी शानदार रही कल की राइड को छोड़ के। कल तो भाई तूफान राइड थी, बता नहीं सकता, बस किसी तरह पहुंच गया हूँ, नहीं तो वहीं स्टक हो जाता अगर बारिश चलती रही, वहीं पे रुकना पड़ता मुझे कहीं। बहुत ही ज़्यादा टफ राइड थी कल की, बहुत ही टफ। आज की जिंदगी की, आज तक की पूरी ज़िंदगी में आज तक की सबसे टफ राइड थी। तो अभी हम सनोली बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं सनोली बॉर्डर। ये है 0 पॉइंट, ये सामने आप देख रहे हैं 0 पॉइंट, और यहाँ पे भंसार बनता है बाइक का मेरे राइट हैंड पे, ये सामने ऑफिस है, बहुत दलाल बैठते हैं यहाँ पे। और ये है नेपाल का गेट, यहाँ से निकल रहे हैं अब। नेपाल वाले नहीं पूछते, इंडिया वाले पूछते हैं। घूम के YouTube पे वीडियो वगैरह बनाते हैं। हाँ इधर साइड आगे कर दो इधर। इसमें क्या है, कुछ है? नहीं कुछ नहीं है, अपना सामान है, कपड़े लत्ते। कौन सा चैनल है आपका? मेरा जाट ऑन व्हील्स। ये टूरिस्ट वाला वीडियो डालते हैं। हाँ अभी मैं मस्टांग गया था ना मुक्तिनाथ। अच्छा उसका मैंने वीडियो बनाया सारा। ठीक है स्टैंड कर दीजिए। हैं स्टैंड कर दीजिएगा। अच्छा बहुत अच्छी बात है। हाँ पंचर है यार, पंचर है। ओ तेरी तो चलिए मैं आपको रिलीज कर देता हूँ, जाके बना लीजिए। कहाँ पे है पंचर वाला? इधर आगे मिल जाएगा, इधर नजदीक है। कल ये इसको मैं रिलीज कर देता हूँ, आप जाके बना लीजिए। ठीक है थैंक यू। जाइए पहले पंचर बना। अरे
अरे बाइक पंचर है, मैं तभी कहूँ इतनी भारी क्यों चल रही है बाइक। तो चलते हैं अभी पंचर ढूंढते हैं, नहीं तो खुद ही लगाएंगे। सामान मेरे पास है, पंचर किट है पूरा, अगर मिल जाती तो ठीक है। तो ये पंचर वाला मिल गया है, चलो पहले पंचर लगा लेते हैं। पंचर लगा देगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। तो ऑफिशियली हम इंडिया भारत में एंटर हो गए हैं, वापसी अपने वतन में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारी आज की राइड शुरू हो गई है। सुबह के 7:27 हो गए हैं और अभी मैंने पंचर लगवाया है अपनी बाइक में। और भाई बोल रहा है कि भाई इतने कट लगे हुए हैं टायर पे, पूछो मत। जो हम टायरिंग करके आए हैं वो तो भाई इतने नुकीले पत्थर थे, इतने बड़े बड़े पत्थर, मैं बता नहीं सकता। और पूरा दिन उसी रूट पे आप बाइक चलाओगे तो क्या हाल होगा। तो ये टायर तो मुझे लग रख गया। अभी वॉशिंग करा रहा हूँ क्योंकि पूरे मेरे जो फ्रंट डिस्क और रियर डिस्क में पूरा कीचड़ भरा हुआ था, जिसकी वजह से ABS काम नहीं कर रही थी। और पीछे एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया मेरा, वो ब्रेक लगी नहीं और एक टक्कर हो गई। वो तो गलती उस लड़की की थी जो आँख बंद करके बीच में आ गई है गली से, तो ज़्यादा तो नुकसान नहीं हुआ। और हंडिया चौराहा आ गया है और आई थिंक ये है अपना गोरखपुर लखनऊ हाईवे टोल रोड है ये सामने, और इस पे हमने जाना है। और अब हम सीधा जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से निकलेंगे, लखनऊ को रुकेंगे नहीं। लखनऊ से एक्सप्रेसवे लेंगे और फिर अपना आगरा एक्सप्रेसवे लेंगे, फिर सीधा। हाँ तो गाइस 10:27 हो गए हैं और हम पहुंच चुके हैं अयोध्या, श्री राम की नगरी अयोध्या में। और यहां पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और ये श्री राम की नगरी अयोध्या है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। 10:27 हो गए हैं, सुबह चले थे 7 बजे चले थे हम सुबह। तो बाराबंकी से पहले एक टोल है और ये टी स्टॉल है, यहाँ पे मैंने अभी एक ब्रेक लिया था, टी ब्रेक। कमांडो। तो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया हमें, 12 बज चुके हैं और अभी 50 किलोमीटर डिस्टेंस है लखनऊ का। और अभी 3 पॉइंट है भाई मेरे पेट्रोल के। तो चलते हैं लखनऊ, वहाँ पे मनोज भाई मिलेंगे हमें, मनोज चौहान, जिसको फर्स्ट डे मैं रुका था मनोज भाई के घर पे, तो उनका फ़ोन आया, कह रहा रुक जाओ। मैं कहा रुकूंगा तो नहीं, मिल के ज़रूर जाऊंगा। दिल्ली 12:41 हो चुका है समय और हम हैं लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ में। आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो यहाँ पे अब मनोज भाई से मिलेंगे, जिनके घर में मैं फर्स्ट डे रहा था, उन्होंने बोला था कि यार मिलकर जरूर जाना, तो श्योरली हम मिलकर जाएंगे। वो वेट कर रहे हैं मेरे शहर। क्या हाल है? बढ़िया है। और बढ़िया है, ये हमारे मित्र हैं। क्या हाल है जी? और सुनाए, बढ़िया, घर में सब बच्चे ठीक? सब ठीक है, हम तो कह रहे हैं रुकते हैं आप। नहीं, अभी पहुंच जाएंगे 5-6 घंटे में। और क्या, सुबह खा भी लीजिए? नहीं, बस खाने के, कल लीजिए फिर। नहीं, भारी हो जाएगा फिर, चलाया नहीं जाएगी। हैं, नहीं चलाई नहीं जाएगी फिर, बहुत लंबा सफर है ना, नींद आएगी फिर। थोड़ा बहुत ले लिए हल्के में, चाय पराठा कुछ भी। चाय ले लेते हैं कुछ, चाय इधर इधर ले ले। क्या
तो गाइस अभी मैं हूँ लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और मैंने जैसे बताया था हमारे मनोज भाई आए हैं हमें मिलने, और उनके दोस्त क्या नाम है आपका? अनुज साहू है, और हमें मिलने आए हैं, और हमारे लिए चाय नाश्ते का इन्होंने इंतजाम किया था, और कह रहे थे आज रुक जाओ, मेरे पास समय नहीं है, और सीधा हम आप जाएंगे दिल्ली को, सिर्फ हम 9 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अगेन थैंक यू यार मनोज भाई, आपने बहुत मदद करी थी पहले दिन। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप दिल्ली आएंगे 15 को फिर मिलेंगे, तो दिल्ली आएंगे 15 को, ये जा रहे हैं अपना लद्दाख, है ना? हाँ, तो लद्दाख जा रहे हैं। बेस्ट विशेज है हमारी आपके लिए नेक्स्ट ट्रिप के लिए, बहुत बढ़िया करके आओ। तो बस अब चलते हैं अपने एक्सप्रेस वे पे और सीधा निकलते हैं दिल्ली को। कल आए थे मुक्तिनाथ से, अभी नेपाल से चला था मैं सुबह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजदीप चौहान। राजदीप चौहान, चलो बढ़िया, नाइस मीटिंग यू। आपका क्या नाम है? नाइस मीटिंग यू। कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई, ओके ओके, थैंक यू। तो गाइस अभी ये आप देख रहे हैं, ये है एयर स्ट्रिप, हवाई पट्टी, जो हमारे इंडियन लड़ाकू विमान हैं वो इस एयर स्ट्रिप पे उतर सकते हैं एमरजेंसी में, इसलिए ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है एमरजेंसी के लिए। यहाँ से उड़ान भर भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। ये पर्टिकुलर एक एरिया है 60-70 किलोमीटर बाद लखनऊ के। टोल टू टोल आ गए हमने लखनऊ एक्सप्रेस वे 300 किलोमीटर कवर कर लिया है, और पूरे 5 बज गए हैं। 3 घंटे में 300 किलोमीटर कवर किया है हमने। टोल की पर्ची यहाँ चेक करानी पड़ती है, जो टोल शुरू में कटता है यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है। और अब आएगा आगरा एक्सप्रेस वे, ये था लखनऊ एक्सप्रेस वे। पेट्रोल पंप कितनी दूर आगे? पेट्रोल पंप है सिर्फ 1 पॉइंट रह गया मेरे बाइक में पेट्रोल का। हमने स्टार्टिंग वाले पेट्रोल पंप से डलवाया था जो एक्सप्रेस वे पे है, और 1 पॉइंट रह गया है। तो अभी भी 20-30 किलोमीटर तो चल सकती है, और अभी आगरे में हम ले लेंगे 8-10 किलोमीटर में मिल जाएगा हमें दूसरा पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप बहुत ही ज़रूरत है अब मेरे को, सिर्फ 1 पॉइंट पे चल रही है, वो भी 1 पॉइंट कभी भी ख़त्म हो जाएगा। पिछले 20 किलोमीटर से 1 पॉइंट से ही चल रही है, और जब जीरो हो जाएगा उसके बाद 10-15 किलोमीटर रोड चल सकती है। मैंने जो एक्सप्रेस वे पे फर्स्ट पेट्रोल पंप है उस पर मैंने पेट्रोल डलवाया था, और अब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे। बीच में भी डलवा लेना चाहिए जो बीच में पेट्रोल पंप आता है। मैंने सोचा था आखिरी 3 पेट्रोल पंप होंगे आखिर में भी मिलेगा, लेकिन आखिर में नहीं है यहाँ पे लखनऊ में। लखनऊ एक्सप्रेस वे आखिर में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, शुरू में है और बीच में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बीच में भी ज़रूर डलवा लें, टेंशन ना रहे। मेरे को तो लास्ट के 50 किलोमीटर मैंने सिर्फ 90 की स्पीड से चलाई है ताकि एवरेज ज़्यादा आए। तो आगे हमारा एग्जिट आएगा तो वहाँ से हम चले मुड़ जाएंगे। तो गाइस पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, जीरो हो गया मेरा, कभी भी बाइक बंद हो सकती है। इससे पहले कहीं पेट्रोल पंप दिख जाए तो मुझे नीचे उतर के जाना पड़ेगा कहीं आसपास देखने, बिल्कुल पेट्रोल नहीं है यार, अगर कई तरफ मोड़ना पड़ेगा। आगे तो मथुरा के पास है फिर पेट्रोल पंप। तो गाइस 6 बज चुके हैं, और हमने यहाँ चाय पी, और यहाँ पे पेठा लिया, पंछी पेठा, और ये भाई लोग हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो। तो ठीक है भाई, तो ये भाई हैरान हो गए, पूछ रहे थे यार नेपाल से कैसे आ गए तुम यहाँ पे तो अपना चैनल दिखाओ, तो मैंने अपना चैनल निकाल के दिखाया, बहुत खुश हो गए तो चलते हैं अब सीधा नॉनस्टॉप दिल्ली, अब सीधा दिल्ली लगाएंगे। 6 बज चुके हैं, मैं 5 बजे घुस गया था, 1 घंटे का रेस्ट ले लिया मैंने, कंटिन्यू लखनऊ से कंटिन्यू चलाई थी 300 किलोमीटर,
पेट्रोल पंप टू पेट्रोल पंप। तो हम रेडी हैं दिल्ली के लिए, चलो दिल्ली, आगरा से दिल्ली। ओके जी, बहुत रेस्ट हो गया यार, बहुत थक गया था ये लगातार 3 घंटे आपको राइड करनी पड़ जाए तो कमर कुमर सब हिल जाती है। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल डलवाया था रिलायंस के में, जान में जान आई है, बिल्कुल ख़त्म हो गया था पेट्रोल। But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. तो गाइस 9:10 हो गए हैं, ये देखिए 9:10 और 8:30 मैंने दिल्ली में एंटर कर लिया था, नोएडा से सीधा दिल्ली। 40 मिनट से मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ और ये ट्रैफिक हाल देख लीजिए, ये है दिल्ली मेरी जान, दिल्ली। और सबसे बड़ी पहचान है इसका ट्रैफिक। तो गाइस हम अब, तो गाइस मैं साइन ऑफ करता हूँ यहाँ से अपने ब्लॉग का, और ये ब्लॉग है नेपाल टू दिल्ली इन 14 आवर्स। 14 घंटे में हम दिल्ली पहुँच गए हैं नेपाल से। तो अभी तक के ब्लॉग आपको कैसे लगे एक कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी क्वारी हो तो मुझे आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं YouTube पे भी और Instagram पे भी। Instagram की ID है जाट ऑन व्हील नॉट व्हील्स, और आप मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें मुझे YouTube पे, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से, बंदे मातरम एंड जय हिंद।